नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के किसी मंत्री, विधायक या अफसर के खिलाफ लिखेंगे तो जाएंगे जेल, गलत टिप्पणी करने वालों पर कड़ा एक्शन। नए साल में नगर निगम का झटका, बढ़ाएगा 15% होल्डिंग टैक्स। नियोजित शिक्षकों को पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा ट्रांसफर, महिला टीचर्स को च्वाइस पोस्टिंग। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब इन कागजात की होगी जरूरत, पता बदलवाने के लिए भी देनी होगी ये जानकारी। बिहार में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 265 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, 750 सस्पेंड। बिहार में निगरानी टीम ने मुखिया को किया गिरफ्तार, चुनाव लड़ने से पहले ले रहा था रिश्वत। पूर्व विधायक का ड्राइवर निकला अपराधी, उनके नाम पर सिम कार्ड लेकर मांगता था रंगदारी। तेजस्वी ने नीतीश को बताया हिटलर, बोले आपकी पुलिस शराब बेचती है, मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। रांची जाने से पहले भावुक हुए तेजस्वी, बोले पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। बिहार में मिले कोरोना के 168 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,59,617। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति, जैसे कि एक कर्मचारी के खिलाफ भी अगर किसी ने गलत टिप्पणी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में ऐसा करने वाले लोगों के विरुद्ध आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और जांच की जाएगी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य में ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में वह स्थानीय पुलिस को भी सहयोग देती है, चूंकि भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा, लिहाजा ईओयू की ओर से यह पत्र लिखा गया है। नए साल में पटना नगर निगम में आम लोगों को झटका देते हुए नगर निगम बोर्ड की 21वीं साधारण बैठक में होल्डिंग टैक्स में 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। अब इस पारित प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा। यदि इसे विभाग से मंजूरी मिल जाती है तो साल 1993 के बाद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। जब यह प्रस्ताव रखा गया तो कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। इसके साथ ही बैठक में मौजूद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना काल में 15% टैक्स बढ़ाने को उचित नहीं बताया। बैठक में ही उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से इसे कम करने का सुझाव दिया। रामकृपाल यादव ने कहा कि कोरोना काल में अचानक से 15% टैक्स बढ़ाने से लोगों को ज्यादा भार पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने यह फैसला किया था कि वह नियोजित शिक्षकों को तबादले की सुविधा देगी। राज्य के 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को तबादला देने के लिए सरकार ने नियमावली भी बनाई थी, लेकिन अब इन सभी को पंचायत चुनाव के बाद ही ट्रांसफर मिल पाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक इस तरीके से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला टीचर और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में उनकी इच्छा के मुताबिक तबादला मिलेगी। पुरुष शिक्षकों को पारियों के आधार पर आपसी सहमति से अंतर जिला तबादला मिल पाएगा। इन शिक्षकों को सेवा संघ के आधार पर तबादले के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद पॉलिसी बना ली है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद मई के अंत तक इस पर पहल शुरू होगी और जून से तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव की जोर शोर से तैयारी की जा रही है, इसे लेकर मतदाता सूची भी अपडेट किया जा रहा है। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके में बदलाव किया है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को लिंग और आयु से जुड़ा ब्यौरा भी देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित आवेदन प्रपत्र घ में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए भी 4 प्रमाण पत्र देना होगा। वैसे मतदाता जिनकी मौत हो गई है उनका नाम सूची से हटवाने के लिए मौत का कारण बताना पड़ेगा। इसके साथ ही अब मतदाता क्षेत्र बदलवाने के लिए स्थानांतरण का कारण भी बताना जरूरी होगा और इस बात की जानकारी भी देनी होगी वो पंजीकृत पते पर निवास क्यों नहीं कर रहे हैं। आयोग ने 27 जनवरी तक बूथों के भौतिक सत्यापन से जुड़े काम करने का निर्देश दिया है। 2 मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
बिहार में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि निदेशक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 750 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, 265 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द भी कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई खाद बेचने में गड़बड़ी पाए जाने की वजह से की गई है और साल 2020-21 में अब तक पूरे राज्य में 3005 छापेमारी भी की जा चुकी है। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने बताया कि खाद बिक्री में गंभीर गड़बड़ी करने वाले 85 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 1050 विक्रेताओं से जवाब तलब किया गया है। सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की तस्करी को रोकने तथा कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए इन जिलों के जिला पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया है। मुख्यालय स्तर से भी जांच दल गठित कर सभी जिलों में भेजा जा रहा है। विभाग से यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में उर्वरकों की बिक्री पॉस मशीन से की जाए। इसके लिए किसान को रसीद भी दी जाती है। निगरानी की टीम ने एक मुखिया को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी टीम भगवानपुर प्रखंड के मैदा भनगामा पंचायत के मुखिया मनोज कुमार चौधरी और उसके सहायक कन्हैया को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों की गिरफ्तारी बरौनी के प्रखंड कार्यालय परिसर में हुई। निगरानी विभाग के अधिकारी के अनुसार परवेज आलम नामक शख्स ने निगरानी में 14 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। एक ताज़ा मामला बिहार से सामने आया है, जहां पूर्व विधायक का ड्राइवर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बिहार थाना क्षेत्र के गढ़ पर की है। नालंदा पुलिस ने 19 दिसंबर को दिन दहाड़े हुए लूट की घटना का खुलासा किया और उससे गिरफ्तार कर लिया। सदर DSP ने बताया कि गढ़पर मोहल्ला सतीश कुमार को वेना थाना इलाके की मुर्गियाचक गांव से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से लूटे गए 60,700 रुपये बरामद किया गया है। DSP ने बताया कि शेखपुरा जिला के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र स्थित महानंदपुर गाँव के नीरज कुमार जब अपनी बहन के साथ जा रहे थे, लेकिन इस दौरान ही गढ़पर स्थित यादव लॉज के पास बदमाशों ने हथियार दिखाकर 1,30,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले के उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी। CCTV फुटेज व अन्य लक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपित तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि बदमाश का आपराधिक इतिहास है। पहले वह पूर्व विधायक पप्पू खां का ड्राइवर था। वहीं किसी तरह धोखे से उनका कागजात चुराकर सिम कार्ड की भी खरीदारी की थी। नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है कि अगर किसी ने बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ गलत टिप्पणी किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार सरकार के इस आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज दिया है। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताते हुए खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। CM को चुनौती देता हूँ, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने बिहार सरकार के सभी विभागों को, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति, जैसे कि एक कर्मचारी के खिलाफ भी अगर किसी ने गलत टिप्पणी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद परिवार के सभी लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव, मां राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव शुक्रवार को रांची पिता से मुलाकात करने जा रहे थे। रांची जाने से पहले तेजस्वी यादव मीडिया से बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की कोरोना टेस्ट निगेटिव आई है, कई रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। उनको कई बीमारी है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनसे मिलने के लिए वह अपने भाई माँ के साथ रांची गए थे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 168 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,59,617 हो गई है। बिहार में फिलहाल 3,068 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 65 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 168
नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,617 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,468 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो ये है कि महज 24 घंटे के भीतर 315 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक 2,55,080 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।